सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि आप अमित शाह जी और मोदी जितनी बार भी आए, कर्नाटका के लोगों ने तय कर लिया कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी इस बार। चलिए वो तो ऐसा ही कहेंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, मगर कर्नाटक के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं कर्नाटक 4 बार गया हूं विगत 2 महीने, 5 बार गया हूं विगत 2 महीनों में। मैं आपको बताता हूं, मैंने जनता की पल्स देखी है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखी है, वहां पर बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। तटीय और दक्षिण कर्नाटका में तो होल्ड था ही बीजेपी का, लेकिन आप मानते हैं कि बाकी इलाकों में भी? नहीं, उत्तर उत्तर कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक में भी मैं जाकर आया हूं जी। और मैंने शुरुआत तो मांड्या से करी है। मांड्या में जेडीयू इतनी की? बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं हुई, तो मांड्या की जनता भी अब परिवारवादी पार्टियों से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करती है। मैं मानता हूं बहुत शुभ चिन्ह है कर्नाटक की राजनीति के लिए। जेडीएस जो है वो भी कह रही है कि हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं अमित शाह जी, लेकिन उनके पार्टी में भी तो इतने सारे लोग हैं जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। देखिए, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में जो काम करते हैं ऐसे लोग मेरी पार्टी में भी है, जी मगर मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष उसके बाद उसी के परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, या तो पूरा का पूरा परिवार एमपी या एमएलए बन जाएगा। ये किस प्रकार की कंपेरिजन है? पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने समाप्त कर दिया है। इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाले बचाव जनता के सामने रखकर आप परिवारवाद को छुपा नहीं पाओगे।